वेलकम। आप देख रहे हैं प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एचडी यूट्यूब चैनल और इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सीडी डीवीडी कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि सीडी डीवीडी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो स्टोरेज मीडिया के मामले में तो 3 कैटेगरी बांट के रखा हूँ। एक तो है आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और एसडी कार्ड, और दूसरा है आपका क्लाउड स्टोरेज, और तीसरा है आपका सीडी डीवीडी ब्लू रे। ठीक है, तो ये तीन भागों मैंने बांट दिए हैं, जो कि इन तीनों में अपनी अपनी खूबियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और एसडी कार्ड। हार्ड डिस्क तो बहुत बड़ा कैपेसिटी वाला ये ड्राइव है, जो कंप्यूटर और लैपटॉप में हमेशा के लिए लगे रहते हैं। और कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं, जिसको हम यूएसबी के माध्यम से अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हमेशा के स्टोर कर सकते हैं। फोटो है, वीडियो है, मूवी है, तो हर चीज़ स्टोर कर सकते, क्योंकि उसमें कैपेसिटी बहुत अधिक होता है। 1 GB, 2 TB, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कैपेसिटी आते हैं। और एसडी और पेन ड्राइव, एचडी और में क्या होता है, एचडी में आप 32 GB, 64 GB, और पेन ड्राइव में भी वही अलग अलग कैपेसिटी का पेन ड्राइव भी आते हैं, जिसको हम कंप्यूटर में लगाते हैं, अपना उसमें डेटा लोड करते हैं, फिर उसे कंप्यूटर में ले जाते हैं। ठीक है, अब लोग समझ आ गया। और दूसरी तरफ आपका क्लाउड स्टोरेज, जो आज के डेट बहुत ही चलन है, जिसको हम ऑनलाइन तरीके से स्टोर करते हैं। क्लाउड मतलब सर्वर, दूर की जगह सर्वर, जहाँ पर किसी कंपनी में सर्वर है वहाँ पर अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। और इसमें आपको कुछ फ्री मिलता है, जैसे 5 GB की स्पेस मिलता है, और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको खरीदना पड़ता है। और तीसरा है आपका सीडी डीवीडी, ये बाकी डिवाइस से थोड़ा अलग है, इसका मीडिया थोड़ी अलग है। ये क्यों अलग है, क्योंकि दो टाइप का आते हैं, DVD-R, DVD-RW, और इसको विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से डेटा स्टोर किया जाता है। और एक बार स्टोर हो जाने के बाद उसको ना तो डेटा को हटाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना इसमें कभी भी वायरस भी नहीं लग सकता, इसकी बड़ी खासियत है। और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ डेटा होते हैं, जैसे हमारा जैसे पर्सनल फोटो हो गया, फैमिली फोटो हो गया, आपका वीडियो हो गया, जैसे कहीं हम घूमने गए हैं वहाँ पर वीडियो शूट करके लाए हैं, कभी हम कार्यक्रम में हिस्सा लिए वहाँ भी शूट कर लिए, या आपके घर में कोई भी फंक्शन चल रहा है हम शूटिंग करके रखे हैं, जो कि आज के डेट में सबके पास मोबाइल हो गया। और मोबाइल में शूट करोगे तो आपका एसडी कार्ड तो भरते जाएगा, फिर आपको खाली करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो फिर आपको फिर खर्च करना पड़ेगा, 450 एसडी कार्ड आता है। फिर आप क्या करोगे, हार्ड डिस्क में स्टोर करोगे, हार्ड डिस्क तो आपको गारंटी भी नहीं दे सकते कि आप 2-3 साल तक उसको सुरक्षित कर पाए। हो सकता है भाव कि आपका हार्ड डिस्क फुल हो सकता है, क्रैश हो सकता है, वायरस लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके सिस्टम में क्रैश हो सकता है, हम गारंटी नहीं दे सकते। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि डीवीडी में इसको स्टोर करके रख सके, बैकअप ले सके। डीवीडी सबसे अच्छा चीज़ है, जितना भी मैं स्टोरेज डिवाइस देखा हूँ, जितना भी स्टोरेज मीडिया देखा हूँ, तो मेरे को डीवीडी बहुत बेहतर लगे, क्योंकि इसमें एक बार स्टोर कर लो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसमें स्टोर कर लिए, अपने सीडी एल्बम में चुपचाप रख दिए, जैसे अपना फोटो एल्बम में अपना फोटो को रखते हो संभाल के, वैसे इसको कैरी करके रख सकते हो। ये बड़ी खासियत है, यही मैं आपको बताने वाला था। तो डीवीडी में अलग अलग कैपेसिटी का आते हैं, जैसे 4.5 सिंगल लेयर, ठीक है, उसके को डीवीडी आती है, वो लगभग आपको 15 रुपये मिल जाता है। एक तो डबल लेयर आता है, डबल लेयर मतलब उसका डबल हो जाता है, 4 का 8 हो जाता है, 8 GB, वो आता है लगभग 30-40 रुपये का जाता है। चाहे तो आप बंडल भी ले सकते हो अपने यूज़ के लिए, यदि आप बहुत ज़्यादा फोटो खींचते हो, वीडियो बनाते हो, तो उस हिसाब से आप बंडल ले सकते हो, 800-1000 पड़ता है 50 पीस का। अगर डबल लेयर का लोगे तो आपको पड़ेगा 4000, ऐसे ही पड़ जाता है, अच्छी कंपनी का, मोजर बियर का अच्छी कंपनी का आता है, बिग जॉन का कंपनी का अच्छा आता है,
बहुत सारे अच्छी अच्छी कंपनी का आती है, सोनी का भी आ जाती है। ये जो मैं पकड़ रहा हूँ ये मोजर बियर का है, ठीक है, ये मोजर बियर का है, ठीक है। आप लोग को समझ आया क्या डीवीडी कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और एक चीज़ बड़ी खासियत है, अगर आप हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में स्टोर कर दिए हो, अटोखे से आपके सिस्टम में वायरस आ गया, रैसम एयर भी आ गया, फिर कैसे करोगे, फिर एंटीवायरस चलाना पड़ेगा, कई बार आपका फोटो वीडियो भी करप्ट हो गया, कैसे रिकवर करोगे, इतनी परेशानी है। और यदि आप इसमें स्टोर करके रख दिए हो हमेशा के लिए, आपका यादगार लम्हे, यादगार फोटो, यादगार वीडियो, यह आपका कुछ इंपोर्टेंट डेटा है जो बहुत मेहनत से मैं बनाया हूँ, इसको स्टोर कर दिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप स्टोर कर दिए, अपने सीडी बैक में रख दिए, जब चाहो अपने कंप्यूटर में लोड कर दिए। मैं यही इसी वीडियो में यही बताना चाह रहा था कि सीडी डीवीडी और कितना महत्व है, कितना इंपोर्टेंट है। लोग सोचते हैं ये आउटडेटेड हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी बहुत ज़रूरत है। हम लगातार फोटो खींच रहे हैं अपने स्मार्टफोन से, वीडियो बना रहे हैं, यादगार का फोटो खींच रहे हैं, घूमने जा रहे हैं वहाँ फोटो खींच रहे हैं, एडी कार्ड आपका भर जा रहा है, एडी कार्ड आपको धोखा दे सकती है, कभी भी आपका एडी कार्ड क्रैश हो सकता है, चाहे 64 GB ले लो, चाहे 256 GB ले लो, कुछ उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। इसीलिए समझदारी है कि आप एक डीवीडी में राइट कर लो, फोटो वीडियो स्टोर करना है, भले मूवी और गाना स्टोर मत करना, वो कहीं भी आपको मिल जाएगा, नेट में बहुत भरमार भरे हैं फोटो मूवी, इसको डीवीडी बनाने कोई ज़रूरत नहीं है, अपलोड करके हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं। सबसे ज़्यादा हमारा टेंशन होता है हमारा पर्सनल डेटा, मतलब फोटो, फैमिली फोटो, वीडियो, आपका जो अपने मेहनत से जो भी डेटा तैयार किए हो, टाइप किए हो, जो भी किए हो, बुक टाइप किए हो, जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप किए हो या प्रोजेक्ट बनाया हो, तो ऐसे ऐसे डेटा है जो आप डीवीडी में स्टोर करके रख सकते हो। इसीलिए ये हमारे जीवन में सीडी और डीवीडी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका रहना बहुत ज़रूरी है, इसका मेरे को कोई विकल्प नहीं दिखता कि जो ऐसा स्टोरेज मीडिया हो जो हमेशा के लिए सुरक्षित रख सके। क्लाउड स्टोरेज दिखता है हमारे पास विकल्प तो पर, लेकिन वो बहुत महंगा है, 5 GB भर जाएगा, आपको हर महीना आपको पेमेंट करना पड़ेगा आगे के स्टोरेज यूज़ करने के लिए। अगर आप 10 GB ले रहे हो, 100 GB ले रहे हो, तो आपको डेढ़ हर महीना देना पड़ेगा ऑनलाइन स्टोरेज के लिए। इससे अच्छा तो बेहतर है डीवीडी बहुत सस्ता है, 15 रुपया का आता है, अच्छी क्वालिटी वाला ले लो, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी आती है, 20 रुपये का ले लो, ज़्यादा होगा तो 2 कॉपी बना लिए, एक आपने बैग में रखी, एक यूज़ के लिए रख ली, ऐसा भी कर सकते, ठीक है। तो आज के वीडियो में आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है, कितना सीडी और डीवीडी ब्लूरे कितना महत्वपूर्ण है। वैसे में डीवीडी ज़्यादा उपयोग है, ब्लूरे अभी चलन में नहीं है क्योंकि बहुत महंगा है, 100 रुपये में आता है उसका डिस्क, और डीवीडी 15 रुपये में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं डीवीडी का ज़्यादा बात कर रहा हूँ, और सीडी तो कम कैपेसिटी का है, उसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, वो ऑफिस वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाना ले जाना, पोस्ट कार्ड में भेज देना, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल डीवीडी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डीवीडी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी कर दें। यदि आप इस चैनल में नया आ गया है तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जाने के जाए दीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।